Assalamualaikum. अरे ये आप लोग कहाँ से आ गए? आपको पकड़ लिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ जिम. अच्छा, जिम टाइम ना. चले थोड़े से सवाल हैं, जरा जवाब अगर प्लीज दे दें. हाँ हाँ, जरूर जरूर. इतनी प्यारी हवेली जिसको सब जानते हैं, सल्ली की हवेली, ये हवेली कितनी पुरानी है? पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि इसकी सल्ली की हवेली इसका नाम नहीं है, इसका नाम है हवेली बारूद खाना. इट बिकेम फेमस इन द टाइम ऑफ रंजीत सिंह. इसमें जो कमांडिंग जनरल था लाहौर का, जो लाहौर की डिफेंस का जो इंचार्ज था, उसका घर जहाँ आप ये खड़े हैं इस वक्त, ये उसके घर का हिस्सा है. ऑन द अदर साइड एंड द फर्दर साइड एंड अक्रॉस वेयर आई हैव द सिनेमा नाउ, ये सारा आर्सेनल था. सारा जो बारूद और ये जो क्या कहते हैं तोपों का असला और तोपें और गन्स जो भी होती थी वो उसकी सुपरविजन में उसके उसके पास होती थी, क्योंकि उस ज़माने में बगावत का बड़ा ख़तरा होता था. तो योर मोस्ट ट्रस्टेड जनरल वॉज इन चार्ज ऑफ इट. तो ये तकरीबन जो है ये हवेली की जो उम्र है 350 साल से ज़्यादा है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट द हिस्ट्री ऑफ द हवेली इज़. आपकी हवेली क्रेजी पार्टीज के लिए मशहूर भी है. एक दावत जो आप कभी नहीं भूलेंगे? क्रेजी पार्टीज का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ का माहौल क्रेजी नहीं है. यहाँ का माहौल तो है गज़ल या कोई कोई क्लासिकल म्यूज़िक. जो मैं करता हूँ, मेरा जो एक प्रोग्राम है जो पिछले 12 साल से मैं PTV पे कर रहा हूँ, विरसा हेरिटेज रिवाइव, वो यहाँ शूट होता है और वो पिछले 10-12 साल से हो रहा है. अलबत्ता बच्चे जो हैं मेरे या मेरे नेफ्यूज़, वो बच्चे अपनी दावतें दूफतें करते रहते हैं, मैं वो भी अटेंड कर लेता हूँ. ये भी सुनने में आया है कि हवेली में सेलिब्रिटीज आते हैं, इमरान खान भी आए हैं, ये सच? इमरान खान बहुत दफ़ा आए हैं यहाँ. इमरान खान आई मीन ही इज़ माय मेरे बचपन के दोस्त हैं. हमने सुना है कि आपके पास वो कारपेट है जिस पे कायदे आजम ने खड़े होकर 23 मार्च. हाँ बिल्कुल, वो कारपेट मौजूद है, क्योंकि ये जो जलसा था 23 मार्च 1940 का, इसके जो इंचार्ज थे, इसके जो पिंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, वो मेरे दादा था. हम वो कारपेट देख सकते हैं? कारपेट हम बिल्कुल आप देख सकते हैं. एक कुर्सी भी थी जो केटरर्स थे उनके पास. वो इस वक्त जो रेंजर्स का म्यूजियम है, पाकिस्तान म्यूजियम ऑन द वाघा बॉर्डर, वहाँ वो मौजूद है. और कारपेट क्योंकि मेरे पास था. आप अलामा इकबाल साहब के भी ग्रैंडसन हैं, क्या वो आपके ख्वाबों में आते? नहीं, मेरी ख्वाब में नहीं आए कभी. मैं झूठ बोलूँ. क्या आपको लगता है कि उस्मान बुज़दार के अंदर बसंत हो सकती है अगले साल? मेरी तो कोशिश यही है, चाहे उस्मान बुज़दार हो या कोई और हो, मैं तो लड़ता ही आ रहा हूँ पिछले कितने सालों से, परवेज लाई से लेके मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, इमरान खान के साथ. इमरान खान तो खुद, बल्कि ऑल ऑफ देम वर आर्डेंट काइट फ्लायर्स, एक्सेप्ट मे बी आई डोंट नो अबाउट चौधरी परवेज लाई, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज, क्योंकि इनका ताल्लुक ही अंदरून शहर से. तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आई मीन ये वॉट इज़ दिस ट्रेजेडी ऑफ लाहौर, कि फैसलाबाद में बसंत हो रही है, गुजरांवाला में हो रही है, पिंडी में हो रही है, कोयटे में हो रही है, सारे पाकिस्तान में हो रही है, लाहौरियों ने क्या भाई जुर्म कर दिया. तो लेट्स सी, मेरी तो उम्मीद है कि ये किसी ना कभी रिवाइव. ये बताइए कि आपका नाम तो यूसुफ सलाहुद्दीन है, यूसुफ सल्ली कैसे बना? एक्चुअली माई फादर वॉज नोन एज मियाँ सल्ली. ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे यूसुफ सल्ली कहना शुरू कर दिया. एनी सीक्रेट्स अबाउट दिस हवेली? नो, नॉट दैट आई नो. बड़े लोग मुझे पूछते हैं कि भूत है यहाँ, कोई जिन है, तो मैं उनको कहता हूँ कि वाहिद भूत मैं ही हूँ यहाँ, जो यहाँ रहता है और नहीं है कोई. अच्छा, वो कारपेट तो जरा दिखाइए. जी आए कारपेट. क्या पाकिस्तानी सिनेमा बॉलीवुड को टक्कर दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता. मोर एंड मोर सिनेमाज आर ओपनिंग, फिल्में बननी शुरू हो गई हैं. अब इंडियन फिल्में क्योंकि बैन है, अब पाकिस्तानी फिल्में चल रही हैं और दे आर मेकिंग मनी. आइए. And this is the carpet. This is the carpet. ये कालीन है अपना जो वहाँ बिछा था. ये actually it was a pair. Unfortunately एक जो है वो it was ख़राब हो गया या lost हो गया. तो ये जो painting आप देख रही हैं, this is a copy of a painting which is in the Albert Victoria Museum, the last battle of Tipu Sultan. ठीक, और उसके ऊपर अलामा साहब की नज़म है, टीपू सुल्तान की वसीयत. तू रहना वर्दे शौक है, मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल ना कर कबूल. ऐ कतरा या बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल ना कर कबूल. दिस इज महारानी जिंदा, द वाइफ ऑफ रंजीत सिंह, एंड द ओरिजिनल लाइज इन द लाहौर फोर्ट. दैट्स बहादुर शाह जफर, ये इसकी भी ओरिजिनल जो है, दैट इज आल्सो इन द लाहौर फोर्ट. सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस.
ये जो कालीन हैं दोनों, ये अलामा साहब को गिफ्ट किए थे अफगानिस्तान के बादशाह ने, ये दोनों। मीरा ने एक प्रोग्राम में कहा कि आप उनके अच्छे दोस्त हैं और जब आप उनको डांटते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, किस बात पर मीरा जी को डांट पड़ती है? तो एक बात पे, कई सौ बातों पे उसको डांट पड़ती है मेरे से, लेकिन आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हर और बड़ी अच्छी इंसान है, बड़ी दिल की बहुत अच्छी है और आई थिंक उसके साथ बहुत ज्यादती होती है, लोगों ने उसके साथ यू नो रिडिक्यूल भी करते हैं उसके साथ यू नो, लेकिन देखें टुडे आई वाज एट द लक्स स्टाइल अवार्ड्स एंड आई वाज टेलिंग हर, आई सेड लुक मीरा यू आर सो लकी कि आज यू आर स्टिल रेलेवेंट, आपकी उम्र की जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो आई मीन यू नो दे आर नोवेयर टू बी सीन। हवेली की पार्टीज पर खाना क्या पकता है? हवेलीज की जो दावतें हैं खाना घर का बनता है ऑलवेज एंड बिल्कुल हमारा लाहौरी देसी या समटाइम्स कश्मीरी खाना जो है वो ही बनता है, लेकिन जो खाना मैं बनाता हूँ वो वेस्टर्न होता है, जो द वन दैट आई कुक माई सेल्फ। व्हाट इज योर फेवरेट थिंग टू कुक? नो आई कैन कुक एवरीथिंग यू नो आई फ्रॉम मीट, क्योंकि आपको पता है कि हम लाहौरी जो हैं वी आर बेसिकली मीट ईटर्स, सो इट्स लाइक यू नो एनीथिंग टू डू विद मीट एंड ऑल्सो आई एंजॉय वेजिटेबल्स ऑल्सो आई हैव टू एडमिट, सो इटालियन फूड आई लाइक सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई हवेली आए तो उसको क्या खिलाते हैं आप खुद और जाते हुए क्या तोहफा देते हैं? तोहफा तो मुझे नहीं पता आप क्या देते हैं, अब ये तो नहीं है कि तोहफे भी सबको दें, जो आए मिलें सौ बिस्मिल्ला, जब आप आए हैं आपको इस मौसम में नींबू पानी पिलाएंगे, ठीक है, और खाने का अगर वक्त होगा तो खाना, क्योंकि मैं तो खाता नहीं हूँ दिन के वक्त, आई जस्ट हैव अ कप ऑफ टी एंड देन आई हैव अ टोस्ट अ सैंडविच और समथिंग फॉर लंच, तो माय डिनर इज ऑलवेज एट माय मदर्स हाउस, मैं जिम जाके तो उसके बाद फिर खाना मम्मी की तरफ खाता। आपसे आखिरी सवाल, आपको कल्चरल गुरु कहा जाता है लाहौर का, आपके बाद पाकिस्तान का कल्चर कौन रिप्रेजेंट करेगा? देखिए मेरे से पहले कौन कर रहा था, मैं एक बेसिकली फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, सियासतदान, शूरे का मेंबर मैं रहा, एमपीए मैं रहा, एक स्टेटस ऑफ अ प्रोविंशियल मिनिस्टर मुझे यू नो मैं यहाँ पंजाब में रहा, और टुडे यू आर कॉलिंग मी अ कल्चरल गुरु, आई एम एक्चुअली नन ऑफ दीज थिंग्स। व्हाट वुड यू कॉल योरसेल्फ? I would call myself somebody like I told you who's trying to make the younger generation understand their roots and their history and their culture through music. Do you think you'll succeed? Definitely has been a change. I'm seeing interest in the youth to know more about Qaid-e-Azam, about Iqbal, about our founding fathers, jo bilkul hi nahi pata. अब मैंने ये सोचा है कि एटलीस्ट ऑन पाकिस्तान टेलीविज़न, ठीक है, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की है और हम करने लगे हैं कि हम जितने फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान का उनका हम या बर्थ या डेथ एनिवर्सरी उनकी करेंगे ऑन टेलीविज़न, ताकि और थोड़ी सी उनकी ब्रीफ हिस्ट्री जो है कि उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी स्टार्टिंग फ्राम सर सैयद। अच्छा जी, मेरा तो अब जिम जाने का टाइम हो गया, लेट कर दिया आपने मुझे वैसे ही। You're welcome. Chalein, thank you so much, Saif. That was fantastic. Okay, ji. Khuda hafiz. For our history lesson as well. Khuda thank hafiz. You. Khuda hafiz.